শিলচর সফরে আসলেন আসামের রাজ্যপাল গোলাপচাঁদ কাটারিয়া। শিলচরে উপস্থিত হয়ে আসামের রাজ্যপাল গোলাপচাঁদ কাটারিয়া শিলচর বঙ্গভবনে আসাম সরকারের অনুমোদিত আয়ুষ্মান কার্ড, পিপি কিট ও সুবিধাভোগীদের অনুমোদন পত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। রাজ্যপাল গোলাপচাঁদ কাটারিয়া উপস্থিতিতে এসসি ওবিসি ও সাফাই কর্মীদের হাতে আয়ুষ্মান কার্ড, পিপি কিট সহ সুবিধাভোগীদের অনুমোদন পত্র তুলে দেওয়া হয় এবং পিএম সুরজ পটেল ভার্চুয়ালি শুভ উদ্বোধন করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। বক্তব্য রাখতে গিয়ে আসামের রাজ্যপাল গোলাপচাঁদ কাটারিয়া বলেন যে সরকার জনগণের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে, সরকার সবসময় জনগণের কাজ করে যাবেন এবং আজ সমগ্র আসামে 552টি জেলায় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী 80 কোটি জনগণের মধ্যে রেশন সামগ্রী বিতরণ করে যাচ্ছেন। দেশের প্রধানমন্ত্রী জনগণের জন্য আয়ুষ্মান কার্ডের জরিয়তে 5 লক্ষ টাকার বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। ভারতের প্রধানমন্ত্রী দিনরাত কাজ করছেন জনগণের জন্য এবং সরকার সবসময় জনগণের স্বার্থে কাজ করে যাবেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক রোহন কুমার ঝা, সাংসদ রাজদীপ রায়, পুলিশ সুপার নোমাল মাহাতু, ডিআইজি কঙ্কন জ্যোতি শইকিয়া সহ বিশিষ্ট জনেরা। সব প্রকার কে সরকারों के काम को देखा है और अपने एक लंबे अनुभव के बाद मैं कह सकता हूं कि वास्तव में देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार का गरीब कल्याण के काम को प्रारंभ किया और प्रारंभ ही नहीं किया तो बिना किसी भेदभाव, बिना किसी जाति धर्म, बिना किसी ऊंच नीच, सब व्यक्तियों को पूरा लाभ देने का जो प्रयास किया है, ये वास्तव में बहुत ही सुखद और आनंद देने वाला बात है। मैं सोचता हूँ कि पहले भी ये योजनाएं आती थी लेकिन चंद लोगों के लिए आती थी, लेकिन ये देश के प्रधानमंत्री ने चमत्कार किया है कि जो श्रेणी में आते हैं उन सबको इन योजनाओं का लाभ देने का प्रयास किया है। आज हम जिस योजना के तहत यहाँ बैठे हैं, जो देश के प्रधानमंत्री जी देश के 552 डिस्ट्रिक्ट में आज ये कार्यक्रम हो रहे हैं, संपूर्ण देश के 552 जिलों में ये कार्यक्रम इस समय संपन्न हो रहे हैं और उन सब में वो स्वयं उपस्थित होंगे, आप उन्हें स्वयं को सुनेंगे। तो वह वास्तव में उन्होंने जिस बात को विशेष करके इस अभियान के तहत जो प्रारंभ करने की बात सोची वो ये, वैसे तो सरकार शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, अन्य प्रकार के लोगों को कुछ मदद करती रही और विशेष करके बच्चों को पढ़ने के लिए जो स्कॉलरशिप है वो तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग लंबे समय से कर रहा है, लेकिन इसका जितना विस्तार किया है ताकि इन सब बच्चों को पढ़ने का मौका मिल करके इनके जीवन में एक अच्छा सुधार आए। आपने जो बात कही, मैं राजनीति में इतने वर्षों तक रहने के बाद भी कभी यह सोच नहीं पाया कि वास्तव में उस गरीब का पैसा 100% उसको मिल जाएगा, ये कल्पना भी नहीं। राजीव गांधी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने पीड़ा जरूर जाहिर की थी, वो ये कहा था कि मैं दिल्ली से जो 100 रुपया भेजता हूँ वो गरीब तक जाते जाते केवल 15 रुपया रहता, लेकिन उसका इलाज नहीं निकाल सके। ये देश का पहला प्रधानमंत्री है जिसने इस पर अपना दिमाग लगाया और वास्तव में ये जब जनधन के खाते खोलो, जनधन के खाते खोलो 2015 में जब उन्होंने घोषणा की तो हमसे सोचते थे क्या जिद करते हैं, क्या होने वाला है, कुछ नहीं है, लेकिन वास्तव में उस दिमाग में योजना थी कि अगर हर व्यक्ति का खाता होगा। मैं जब बैंक का खाता मेरा पहली बार तब खुला जब मैं 77 में एमएलए बन करके पहली बार उदयपुर से गया था, तब मेरा बैंक का अकाउंट खुला। এখনকার মতো বিদায় নিচ্ছি, পরবর্তী সংবাদ পেতে আমাদের সাথে থাকুন, ধন্যবাদ।